people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Hey guys, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. तो फ्रेंड्स, ये वाला मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है ये. और इस वाले लुक को आप इस तरीके के गेटअप को आप दुर्गा पूजा, छठ पूजा एंड अभी दिवाली आने वाली है एंड शादी का सीज़न भी आने वाला है, तो आप किसी भी तरीके के फंक्शन में ये वाले लुक को, इस वाले गेटअप को करके जा सकते हैं. बहुत ही ऑसम लगता है गाइज. और बहुत डिसेंट तरीके से मैंने इस वाले लुक को किया है. लाइक हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है. एंड ये साड़ी कैसे लग रही है ये भी ज़रूर बताना. एंड ये वाला मेकअप कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना. आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आएगा. वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना. अगर आपका कोई सजेशन है आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से दे सकते हैं. सो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये वाला लुक मैंने कैसे अचीव किया. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी एब्स गुडनेस का एलोवेरा टोनर. और ये बहुत अच्छा टोनर है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगा. और इसका जो प्राइस है वह है ₹125. देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर. और ये स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी है, बहुत अच्छा प्राइमर है. और इसका जो प्राइस है वह है ₹300. एक बार इसे ज़रूर यूज़ करना क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. देन उसके बाद मैंने लिया फाउंडेशन. और यहाँ मैं दो फाउंडेशन ले रही हूँ. एक ले रही हूँ लॉरियल का इनफेलिबल फाउंडेशन इन द शेड 150 रेटन बेज. और एक है मेबलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन इन द शेड 334 वार्म सन. दोनों को मिक्स करके मैं अपनी स्किन टोन का बना लूँगी. एंड सीरियसली गाइस, इस तरीके से करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छी वाली कवरेज मिलती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो इसको मैं एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से एंड सी देखेंगे कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो अगर आप फाउंडेशन, एक अच्छा फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी एक फाउंडेशन ले सकते हैं. मैं दोनों मिक्स करके इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो लॉरियल का फाउंडेशन है मेरी स्किन से लाइट है एंड जो मेबलिन का फाउंडेशन है वो मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है. सो इस वजह से मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ जिससे कि मेरी स्किन का एक अच्छा सा शेड बन जाता है. देन उसके बाद मैंने लिया है क्रायलोन का सुप्रा कलर जिसका शेड नंबर है FS29. और ये एज ए कंसीलर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा कंसीलर है ये, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है एंड उसी से मैं इस तरीके से अपने हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी. देन फिर उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. और जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें फाउंडेशन को ब्लेंड करने में या फिर कंसीलर को ब्लेंड करने में, आपका जो ब्लेंडर है वो डैम होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सा फिनिश देगा. अदरवाइज़ अगर आप ड्राई में यूज़ करेंगे तो वो सारा फाउंडेशन सोख लेगा एंड पैची वाला लुक देगा. सो कभी भी फाउंडेशन यूज़ करें ना, मीन्स ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसको डैम कर ले 4-5 मिनट के लिए, देन उसको यूज़ करें. एंड फिर यहाँ पे मैंने लिया है क्रायलोन का ही शेड लिया है. इससे मैं एज ए कंट्रोल करूँगी, ये कंट्रोल कलर है. और वैसे कंट्रोलिंग मुझे मेरे फेस पे, मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है. बहुत कम ही मैं कंट्रोल करती हूँ मेरे फेस को बिकॉज मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और पतला सा ही है. सो इस वजह से मैं बहुत कम करती हूँ. बट मैंने इसमें, मैं खुद देखना चाह रही थी कि मेरा फेस कैसा लगता है आफ्टर कंट्रोल. सो मैं इस तरीके से कंट्रोल कर दूँगी. कंट्रोल करने से काफ़ी अच्छा वाला रिजल्ट आता है. अगर आपका जो फोरहेड है वो ब्रॉड है एंड आपका जो फेस है वो मोटा है, उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है, स्लिम दिखाता है. तो इसलिए कंट्रोलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिसका फेस थोड़ा सा मोटा है. तो एक अच्छे फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. देन फिर से मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी. और फिर से आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर लेना है वो डैम होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. सो इस बात का ख्याल रखना. और जब भी आप इस तरीके से कलर को ब्लेंड करें तो आपको ना घिसना नहीं है, अदरवाइज आप अगर उसको घिसेंगे तो जो आपका बेस है वो भी हट जाएगा और पैची हो जाएगा. तो आपको उसी जगह पे उसको ब्लेंड करना है, डैप करना है, ठीक है, उसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है.
एनसी देख रहे हैं, नोज की जो शेप है वो कितने अच्छे से इनहेंस हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का मेकअप ट्रांसल्यूशन पाउडर, और ये बहुत अच्छा वाला है। और इसका जो प्राइस है वो है ₹125। इसको तो गाइज आप ज़रूर से यूज़ करना अगर आप कोई ट्रांसल्यूशन पाउडर लेना चाहते हैं तो। ये वाला सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसका जो रिज़ल्ट है माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट मैं आईब्रो को शेप दूंगी, और आईब्रो को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर इन द शेड ब्राउन, और उसी से मैं इसको सेट कर दूंगी। बहुत अच्छा है गाइज, एक तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है एंड इसकी स्टेइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। सीधा डिफरेंस शेप देने से कितना अच्छा सा एक शेप मिल जाती है आईब्रोज को ना। देन उसके बाद फिर से मैंने क्रायलोन का कंसीलर लिया है जिसका शेड नंबर है FS29, और उससे मैं क्या करूँगी फिनिशिंग दे दूँगी और एक अच्छा सा बेस बना लूँगी आइज़ के ऊपर। एंड दोनों में डिफरेंस देखिए गाइस, इस तरीके से करने पे आपकी जो आईब्रोज है वो बहुत नीट एंड क्लीन लगती है, बहुत अच्छे से उभर कर आती हैं। सो फिर से मैं उसको ब्लू हेवन के ट्रांसलूसन पाउडर से सेट कर दूंगी एंड जो एक्स्ट्रा जो पाउडर था उसको मैं क्लीन कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी की पैलेट से कुछ पिंकिश रेडिश कलर, और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन को ब्लेंड करूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से ब्राउन कलर, और उसको भी अपनी क्रीज लाइन और आउटर वी साइड में उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए। ये वाला आई मेकअप बहुत ज़्यादा इजी है, आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड है बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिगिनर है जिनको भी आई मेकअप नहीं आता। सो फिर से मैंने लिया है क्रायलोन का कंसीलर और FS29, और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन बना रही हूँ, कट क्रीज कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश से। कट क्रीज करने के बाद मैंने लिया है ब्लू शेड, ब्लू आप कोई भी ले सकते हैं, ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट का ये थोड़ा सा टूट गया नीचे का, कोई नहीं आप कोई भी ब्लू कलर का आई शेडो ले सकते हैं अगर आपको इस तरीके का आई मेकअप चाहिए तो। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैट, इसमें कोई शाइन नहीं है, कोई शिमर नहीं है, कोई ग्लिटर नहीं है, ये बिल्कुल मैट है, और उसको मैंने अपनी हाफ कट क्रीज लाइन में अप्लाई किया है, देन उसको लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से क्रीमिश कलर का आई शेडो लिया है जो हल्का सा शिमरी है, एंड उसको अपनी इनर कॉर्नर से हाफ आई शेडो लाइन में उसको अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की हेल्प से। एंड देख रहे हैं गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये ग्लिटर आई शेडो जिसका नंबर है 02 डायमंड डस्ट, और ये आई थिंक मिस रोज़ का या फिर स्विस ब्यूटी का है, एंड बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, शिमरी है, और रात के समय अगर आप इसको लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट देता है। देन उसके बाद मैंने लिया है NYB का आई लाइनर, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस, ऑल टाइम, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है और लॉन्ग स्टे है एंड जेड ब्लैक है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी से मैं अपना लाइनर लगा लूँगी। लाइनर आपकी चॉइस है, आपको जैसा पसंद है वैसा लगाइए। एंड देन मस्कारा लिया है, मस्कारा मैंने लिया है मेबलिन का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का कोलोसल काजल, और बहुत अच्छा काजल है ये, और आप चाहे तो नीचे वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने ब्लैक लिया है, और उसको अपनी अपर लैश लाइन पे भी इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी। सेम मेबलिन का मस्कारा मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, एंड नीचे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें लोअर लैश लाइन पर। देन उसके बाद फिर से मैंने लाइनर लिया है NYB का, एंड उसको मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। जब कभी भी आप आईलैशेस लगाएं, आईलैशेस लगाने से पहले आपको आईलाइनर लगाना है, देन आईलैशेस लगाने के बाद भी आपको एक बार आईलाइनर लगाना ज़रूरी है, उससे क्या होगा बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाती है। देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लशर, और ये है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से, उसको मैं सेट कर दूंगी फिक्सिंग स्प्रे से जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का, और बहुत अच्छा वाला फिक्सर है गाइस। तो मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड उसके ऊपर मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ,
एंड देन हाइलाइटर लगाऊंगी। इस तरीके से करके क्या होगा, हाइलाइटर की जो शाइन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसके जो चंकी ग्लिटर्स हैं वो माइल्ड हो जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी वाली शाइन आती है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी एक ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, उसको आप हल्का सा उसके ऊपर मेकअप स्प्रे डाल दीजिए, देन उसको यूज़ करिए। एक तो उसकी लॉन्ग स्टे पावर बढ़ जाती है एंड प्लस वो शाइन बहुत अच्छे से करता है। फिर उसके बाद मैंने लिया है रेडिश मरून कलर का लिप लाइनर, कोई भी ले सकते हैं। ये आई थिंक 50 रुपीज़ की मैंने ली थी एंड बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली। एंड आप चाहे तो इस वाले मेकअप पे न्यूड कलर का शेड भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मुझे चाहिए था कि मैं कुछ रेडिश काइंड ऑफ शेड लगाऊँ, मेरा मन था। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि आई मेकअप डार्क है सो लिप का कलर आप लाइट लग सकते रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया है रेडिश काइंड ऑफ शेड है, बहुत प्यारा वाला शेड है ये वाला, एंड इसके ऊपर ही मैं इसको लगा लूँगी। लिपस्टिक का जो कलर है वो आपकी चॉइस है। एंड गाइज मेकअप कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर, अगर कोई कमी है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बट कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि कुछ कमी है तो वो भी हमें पता चलेगा, अदरवाइज़ तो नहीं पता चल पाएगा ना। सो इसलिए अगर आपको कुछ कमी भी लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पे पहनूंगी बैंगल्स अपनी साड़ी से मिलते जुलते कलर का। और ये वाले जो इयरिंग है आपने मेरे सदर दिल्ली मार्केट के हॉल में, हॉल की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है ये वाली झुमकी। एंड गाइस आज के टाइम में इस तरीके की जो झुमके हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया वीडियो को सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।